दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा संजीवनी कोर्स ऑन कंपनी लॉ. राइट, तो कंपनी लॉ का संजीवनी कोर्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू कि कंपनी लॉ का जो संजीवनी कोर्स है हमारा, रेदर द कंपनी लॉज, इकोनॉमिक लॉज, एलाइड लॉज एंड द संजीवनी कोर्स ऑन अपील्स, लिमिट्स, पेनल्टीज, एवरीथिंग वी आर कवरिंग. तो यहाँ पे हमारा जो पढ़ने का तरीका होने वाला है, दैट इज समथिंग गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट. पढ़ने का तरीका बहुत अलग होने वाला है, बहुत यूनिक होने वाला है. वी आर गोइंग टू एडॉप्ट डिफरेंट मेथडोलॉजीज, वी आर गोइंग टू एडॉप्ट डिफरेंट टेक्निक्स सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द आउटपुट इन द लेस्ट पॉसिबल टाइम. बिकॉज 23 आवर्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 घंटे है ना, 23 से 25 घंटे के अंदर अपने को कवरेज इस तरीके से करनी है लॉ की कि हम एग्जामिनेशन का टारगेट ले सकें. सो उसके लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज मैं आपके साथ यूज करने वाला हूँ. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट, लेट मी क्लैरिफाई कि कौन सा मेथडोलॉजी मैं यूज करने वाला हूँ, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं. एंड सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे विद द टॉपिक ऑफ डायरेक्टर्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर लॉ इज कंसर्न. ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको समरी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में साथ में मिला है विद द संजीवनी कोर्स ऑफ लॉ. करीबन 15 टॉपिक्स के, 15 चैप्टर्स के कंसाइज समरी नोट्स आपको मिले हैं. जैसे ये डायरेक्टर का समरी नोट्स है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर्स, सेक्शन 149 टू 172, 173 टू 195, 196 टू 205, डायरेक्टर के तीनों चैप्टर्स 40 पेज के अंदर कवर्ड है. दिस यू कैन सी इज द डायरेक्टर्स समरी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर्ड है. आप देखोगे ये ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, ये ब्लैक हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, दोज आर द इंपॉर्टेंट पोर्शंस, दोज आर द अमेंडेड पोर्शंस. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से एक कलरफुल समरी बनाई गई है करीबन 15 चैप्टर्स की. तो 15 चैप्टर्स जिसका आपको पीडीएफ मिला है, वो हम लोग इन समरी नोट से करने वाले हैं, सो दैट यू कैन कवर द मैक्सिमम थिंग एट द लीस्ट पॉसिबल टाइम. एंड साथ ही साथ दिस समरी नोट्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू टू रिवाइज इट बिफोर द डे ऑफ एग्जाम्स. बट कभी कभी आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कभी कभी हम समरी नोट्स को डिविएट करते हुए कुछ चार्ट्स भी यूज करेंगे, सम चार्ट्स जो हमने क्लास में बनाया है. एंड ये चार्ट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा पढ़ने के लिए. जैसे डायरेक्टर्स का जब हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो कुछ मैंने चार्ट्स बना के रखे हैं आपके लिए, बहुत ही यूजफुल चार्ट्स हैं, जहां पे अलग अलग सेक्शंस का फ्लो कवर्ड है. जैसे आप देखोगे पूरे डीन का कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक किया गया है, 6 से 7 सेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. तो इस तरीके से काफी सारे हैंड रिटन चार्ट्स हम लोग साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग अपने समरी नोट से डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग चार्ट्स बना के यहाँ क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और कुछ चैप्टर्स हम लोग अपने मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक से भी डिस्कस करेंगे जो आपको मिली है साथ में. राइट, अगर किसी बच्चे ने मेरा पहले फास्ट ट्रैक क्लासेस ले रखा है, मेरा रेगुलर क्लासेस ले रखा है, आपको भी वही मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक मिला होगा. और अगर किसी ने संजीवनी कोर्स विद बुक ऑप्शन अवेल किया है, तो आपको भी वही मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक मिला होगा. तो आपको दिखा दूं ये कैसा बुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपको साथ में मिला है. लाइक यू कैन सी, दिस इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी कंसाइज, कलरफुल बुक ऑन लॉ. बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, जो आपको साथ में मिलने वाला है. आप देख सकते हो बहुत ही कलरफुल बुक है, बहुत ही अट्रैक्टिव बुक है. एंड चार्ट्स बने हुए हैं, एग्जांपल्स बने हुए हैं, लेट प्ले द क्विज सेक्शन आपको दिख रहा है. आप देखो पॉइंट टू रिमेंबर में आपको जजमेंट दिख रहा है इंपॉर्टेंट. आप देखें यहाँ टेबल्स बने हुए हैं, प्लस आप बुक के एंड में जाएंगे तो बुक के एंड के अंदर आपको दिखाई देगा लाइक पेनल्टी के ब्यूटीफुल चार्ट्स हैं, ब्यूटीफुल चार्ट्स ऑन पेनल्टीज, ब्यूटीफुल चार्ट्स ऑन लिमिट्स, जहां पे लिमिट्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स कंपाइल किए हुए हैं. ठीक है, अभी अगर ये पिक्चर्स क्लियर नहीं है, इसके डेमो पेजेस अपना mental.com में बुक सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं. प्लस यहाँ पे एक चीज आपको और दिखाता हूँ, एक ना हमने क्या प्रोवाइड किया है, इंडेक्स, स्मार्ट स्टडी इंडेक्स प्लानर भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडेक्स कम रिविजन प्लानर. तो इसमें व्हाट वी हैव डन इज, जैसे आपने एक रिवीजन किया, आपने एक बार टिक मार दिया, दूसरी बार रिवीजन किया, दूसरी बार टिक मार दिया, तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर लास्ट डे रिवीजन पर्पस. तो कुछ चैप्टर्स अपन इस मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक से भी यूज करेंगे, और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे कि हम लोग समरी नोट से डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि यार साथ में आप मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक भी यूज कर लेना. और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे कि मैं आपको बता दूंगा कि भाई तुमको मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक यूज करने की जरूरत नहीं है, दिस समरी नोट्स आर मोर देन सफिशियंट. तो वी आर गोइंग टू यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू मेक इन क्लास. वी आर गोइंग टू यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ समरी नोट्स एंड द मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू टू मैक्सिमाइज आवर आउटपुट एंड टू मेक श्योर के 23 आवर्स के अंदर अपन मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं, एटलीस्ट 80% कवरेज कर सकते हैं लॉ का. टू स्टार्ट विथ डायरेक्टर्स शुरू करने वाले हम लोग,
बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ टॉपिक्स के हैंड रिटन चार्ट्स जो मैंने बनाया है आपके लिए, जो कि आपको भी साथ साथ नोट डाउन करना है। पहले आप सुन लेंगे, फिर वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे स्पीड को कैच कर पा रहे हो तो आप साथ साथ भी नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिएगा, जो डायरेक्टर्स का चैप्टर है ना, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम्स। 25 मार्क्स का मिनिमम वेटेज रहता ही रहता है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू तीन पार्ट्स इस चैप्टर के। पहला है चैप्टर नंबर 11, दैट इज द अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 से लेके 172। उसके बाद वी हैव चैप्टर नंबर 12, दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, जहां वी स्टडी सेक्शन 173 से लेके 195। देन वी हैव चैप्टर नंबर 13, जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजर रेमुनरेशन, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, सेक्शन 196-205। ठीक है, तो जो डायरेक्टर्स का टॉपिक है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 11, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149-172। चैप्टर 12, दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, सेक्शन 173-195। चैप्टर 13, दैट इज अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, सेक्शन 196-205। सर, क्या ये चैप्टर नंबर्स आपको हमें याद रखने हैं? क्या ये सेक्शन का ब्रेकअप हमें याद रखना है? आई विल टेल यू द आंसर फॉर दिस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर जब खत्म होगा तब हम प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट में बात करेंगे कि प्रेजेंट कैसे करना है आंसर्स को। सो दैट टाइम आई विल बी टेलिंग यू दैट। आप देखिएगा, डायरेक्टर्स का अगर हम ब्रेकअप करें, दो से तीन सिंपल ब्रेकअप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। द डायरेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे इन बेसिक बातों पे, एकदम एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो डायरेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉर्मली कौन होता है? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो डायरेक्टर्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं कंपनी के, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी से उनको सैलरी मिलता है, कंपनी से उनको रेमुनरेशन मिलता है, एंड ऑब्वियसली दे आर हैविंग ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द कंपनी, जैसे कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, ये सारे कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। ऑन द अदर हैंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन है? हु आर नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जिनको कंपनी से ऐसा कोई डायरेक्ट रेमुनरेशन नहीं मिलता है, जैसे कि नॉमिनी डायरेक्टर्स, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। तो दिस आर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये तो एक कैटेगराइजेशन है। डायरेक्टर्स का एक कैटेगराइजेशन और है, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करने वाला है? या तो कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट करने वाले हैं या तो बोर्ड अपॉइंट करने वाला है। तो सेक्शन 149, सेक्शन 152, सेक्शन 196, सेक्शन 163, इन सब में उन डायरेक्टर्स का जिक्र किया गया है जिनको मेंबर्स अपॉइंट करने वाले हैं, जैसे कि वुमेन डायरेक्टर्स इन सेक्शन 149, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन सेक्शन 149। सेक्शन 152 टॉक्स अबाउट नॉर्मली द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोसेस। सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ डब्ल्यूटीडी। देन सेक्शन 163, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय वे ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद सेक्शन 151 भी है, दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। तो ये अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा होता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, जो कि सेक्शन 161 में कवर्ड है। जैसे कि सेक्शन 161 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल डायरेक्टर्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, वी आर गोइंग टू स्टडी नॉमिनी डायरेक्टर्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी। तो चार कैटेगरी के डायरेक्टर्स अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 161 पे, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज सिंपल कैटेगरीज है जिसमें हमने डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड। एक और कैटेगरी है जिसमें आपने पूरा चैप्टर डिवाइड कर रखा है और पूरे चैप्टर को अपन इसी कैटेगराइजेशन के हिसाब से स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला, जहां हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे, और अपॉइंटमेंट अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, बाय द बोर्ड, बाय द मेंबर्स। उसके बाद जहां हम प्रोसीजरल बातें करेंगे, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चैप्टर, जैसे कि सेक्शन 153 से लेके 159, जहां प्रोसीजरल एक्सपेक्ट बताया गया है कि एक डायरेक्टर को डीन कैसे मिलेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे मिलेगा। देन सेक्शन 160, जहां पे एक डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो ही हैज टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 164, सेक्शन 167। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, सेक्शन 168-169, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अदर सेक्शंस व्हिच आर नॉट सो मच रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स, जैसे कि सेक्शन 170 से लेके 172 का जो पार्ट है।
तो इस कैटेगरी में वी हैव डिवाइडेड द चैप्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट पहला हिस्सा हो गया, अपॉइंटमेंट के दो हिस्से हो गए, बाय बोर्ड बाय मेंबर्स, देन वी हैव द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, जैसे कि सेक्शन 153 से 159 डीन कैसे मिलेगा, सेक्शन 160 की अच्छा तेरे को डिपॉजिट कितना देना होगा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वैकेशन सेक्शन 164 167 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर अदर सेक्शंस। तो ये सारा अलग अलग हिस्सा है जिसपे हमने चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। अब देखिएगा किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या कोई सेट ऑफ क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर बनने के लिए? द आंसर इज नो, देयर इज नो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन टू बिकम ए डायरेक्टर। यस देयर इज अ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड टू बिकम ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सेक्शन 149 जो हम लोग अलग से देखेंगे, बट नॉर्मली एक डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। सिंपल से चीज ध्यान रखना होता है कि डायरेक्टर बनने के लिए अपने को डीन नंबर चाहिए, डीन नंबर चाहिए मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात याद रखनी होती है कि डायरेक्टर शुड नॉट बी ए माइनर बिकॉज ही कैन नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स याद रखने होते हैं कि डायरेक्टर बनने के लिए पहले अपने को डिन नंबर चाहिए और बंदा माइनर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला पार्टी अपन चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिन कैसे मिलेगा, बिकॉज डिन मिलेगा तब तो आप डायरेक्टर बन सकते हो ना, अगर डिन ही मिलेगा तो डायरेक्टर बनोगे कैसे? तो पहले अपन इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे डायरेक्टर बनोगे कैसे, डिन मिलेगा कैसे, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करने के बाद विल बी मूविंग टू द डिफरेंट सेक्शंस। जिन स्टूडेंट्स ने फास्ट ट्रैक क्लासेस करी हैं, रेगुलर क्लासेस करी हैं, वहां सीक्वेंस अलग फॉलो किया था बिकॉज दैट वाज समथिंग कि वी आर डूइंग द डायरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। बट यहां पे अपन सीक्वेंस कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं संजीवनी कोर्स के अंदर, अज्यूमिंग कि आपने पहले कभी ना कभी पढ़ रखा है सेल्फ स्टडी के थ्रू या क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो डिन कैसे मिलेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे मिलेगा? तो सेक्शन 153 से लेके जो 159 का हिस्सा है ना, ये पूरा का डिन से रिलेटेड है कि डिन कैसे मिलेगा। सेक्शन 153 से 159 ध्यान से सुनना, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, बहुत सिंपल है। सपोज मैं सानिध्य सराफ, मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता हूं किसी एक कंपनी में और मेरे को डिन की जरूरत है, ठीक है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे डिन की जरूरत है। तो अब मेरे को डिन नंबर कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को ना एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आई वांट डिन। तो सेक्शन 153 कहता है कि एज ए इंडिविजुअल आई विल हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑब्टेन ए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका एक ई फॉर्म भी प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर्म DIR3, कि एक फॉर्म DIR3 होता है, मैं फॉर्म DIR3 भरूंगा और फॉर्म DIR3 डाउनलोड करूंगा पहले और फिर फॉर्म DIR3 भर के अपलोड कर दूंगा आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन, एंड आई विल गिव एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया मेरे को डीन चाहिए, और फॉर्म डी आर थ्री के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रिस्क्राइब है। फॉर एग्जाम्पल यार, सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे बैंक अकाउंट भी खोलना है तब भी मुझे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होता है, मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है ना, अपने सिग्नेचर्स एफिक्स करके देने होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर मेरे को डीन चाहिए तो उसके लिए भी मेरे को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, मेरे को प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा, मुझे स्पेसिमेन सिग्नेचर्स देने होंगे, प्लस जिस भी कंपनी में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया है टू अपॉइंट मी एज ए डायरेक्टर, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी भी देनी होगी, है ना। जिस भी कंपनी में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया है टू अपॉइंट मी अ डायरेक्टर, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी भी देनी होगी। पता चला कि भाई कोई प्रपोजल है ही नहीं मुझे डायरेक्टर बनाने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 153 सेज दैट आई शुड अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिन इन फॉर्म DIR3। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है यहां पे? फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ड्यूली वेरीफाइड, ठीक है। तो सेक्शन 153 के अंदर मैंने ये सारा डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर दिया। अब सेक्शन 154 कहता है, जो अगला ही सेक्शन है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को डिन अलॉट कर देगा एक महीने के अंदर। बी वेरी केयरफुल, यहां पे वर्ड यूज्ड इज वन मंथ। काफी बच्चे गलती करते हैं 30 days और 1 month को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लॉ में आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। 30 days मतलब 30 days, 1 month मतलब 1 month, ठीक है। तो पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डीन के लिए अप्लाई किया, फॉर्म DIR3 में अप्लाई किया, एंड साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ में जमा करे, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को एक महीना के अंदर डीन अलॉट कर देगा, ऐसा सेक्शन 154 में लिखा है। सेक्शन 155 फर्दर क्लैरिफाई करता है वन इंडिविजुअल यानी वन डिन, यानी मैं मल्टीपल डिन्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मल्टीपल डिन्स के लिए अप्लाई करता हूं मैं तो उसे कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है, उसकी उसके लिए पेनल्टी लग सकती है मेरे ऊपर, एज ए इंडिविजुअल मैं सिर्फ एक ही डिन ले सकता हूं, ठीक है। अब देखो फ्लो देखो, सेक्शन 153 में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया, डीन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बेटा, काम कर, फॉर्म DIR3 अपलोड कर दे, और फॉर्म DIR3 के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भर दियो, जैसे कि फोटोग्राफ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन है, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स है, ड्यूली वेरीफाइड, और उसे वेरीफाई भी करा लेना, वेरिफिकेशन की भी बात बोली हुई है, आप उसे वेरीफाई भी करा लीजिएगा,
खुद के डिजिटल सर्टिफिकेट से वेरीफाई कर सकते हो, या कंपनी सेक्रेटरी से वेरीफाई कर सकते हो, करा सकते हो, या कंपनी का जो भी एमडी है, कंपनी का जो भी मैनेजर है, कंपनी का जो भी सीईओ है, जो भी सीएफओ है, मतलब जिस भी कंपनी में तुमको डायरेक्टर बनाने का प्रपोजल आया है, उसका कोई तो एमडी होगा, उसका सीईओ होगा, उसका सीएफओ होगा, या कंपनी सेक्रेटरी होगा, आप उससे वेरीफाई करा लीजिए, उनसे वेरीफाई करा लीजिए, ये सारे पांच डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, और सेक्शन 154 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक महीने में डीन दे देगा। सेक्शन 155 कहता है एक इंडिविजुअल को एक ही डीन मिल सकता है। अब डीन मिल गया, लॉजिकल से चीज सोचो कि एज ए इंडिविजुअल अगर मुझे डीन मिलता है, मेरा पहला ड्यूटी क्या बनता है कि जिन भी कंपनीज में मैं डायरेक्टर बनने वाला हूं, मैं उनको अपना डीन नंबर इंटीमेट करूं। तो सेक्शन 156 कहता है कि अब एज ए इंडिविजुअल आई शुड इंटीमेट द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ऑल द कंपनीज इन विच आई एम प्रपोज टू बी अ डायरेक्टर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एज ए इंडिविजुअल, मुझे उन सारी कंपनीज को इंटीमेट करना पड़ेगा जहां भी मैं डायरेक्टर बनने वाला हूं कि मेरा डीन आ गया है, दिस इज माई डीन नंबर। एक महीने का टाइम है यहां भी। ठीक है भाई, मैंने एज ए इंडिविजुअल कंपनी को इंटीमेट कर दिया। अब कंपनी का क्या काम है? कंपनी का काम है कि भाई कंपनी किसको इंटीमेट करेगा, कंपनी लोगों का भगवान कौन है? हमेशा कहता हूं मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो कंपनी का काम है कि कंपनी क्या करने वाला है, अब उस डीन को आरओसी को इंटीमेट करने वाला है कि ये बंदा मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला है और ये इसका डीन है। और कंपनी के पास 15 दिन का टाइम है, बी वेरी केयरफुल, कंपनी के पास 15 दिन का टाइम है, बिकॉज कंपनी के पास एक लीगल स्ट्रक्चर है, कंपनी के पास प्रॉपर टीम है, तो वो फाइल कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। लेकिन एज ए इंडिविजुअल मेरे को शायद प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा फाइलिंग के बारे में, तो मुझे एक महीने का टाइम दे दिया। तो यहां पे एक प्रॉपर फ्लो चल रहा है भाई। सेक्शन 153 के अंदर कहा गया है कि आई एम रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म DR3 कि मेरे को डीन दे दो। और साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ड्यूली वेरीफाइड। अब सेक्शन 154 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को डीन अलॉट कर देगा एक महीने के अंदर, और सेक्शन 155 कहता है कि वन इंडिविजुअल यानी वन डीन। फिर अगला जो सेक्शन है 156 वो कहता है कि जैसे ही मुझे डीन मिलेगा मैं सारी कंपनीज में इंटीमेट कर दूंगा, देखो मुझे डीन मिल गया है, एक महीने का टाइम है। और फिर सेक्शन 157 कहता है कि कंपनी क्या करेगा, डीन को इंटीमेट कर देगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 15 डेज। यहां पे 15 दिन आ गया। ठीक है, तो देखो पूरा फ्लो में चलता है, लॉजिकली आप याद करो, पूरा फ्लो में चलता है सब कुछ। 153, 154, 155, 156, 157, एवरीथिंग गोज ऑन ए फ्लो, पूरा लॉजिकल फ्लो में चलता है सब कुछ। अब यहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेनल्टीज बनती हैं आपके एग्जाम के लिए। प्रोसेस तो समझ आ गया होगा, सेक्शन नंबर्स आई बिलीव 2 से 3 बार अब दोबारा से आप रिपीट कर लोगे, मन में तो याद हो जाएगा। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो पेनल्टीज बनती हैं आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज ये दोनों जो पेनल्टीज है ना, ये अमेंड हुई है नवंबर 19 के लिए, अभी अमेंड हुई है, तो आने वाले 1-2 अटेम्प्ट तक तो आप मान के चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेनल्टीज। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 156 एंड पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 157। अच्छा सर 156 क्या था, 157 क्या था, हम तो भूल गए, याद करो भूल गए। तो 153 अप्लाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को डीन के लिए, 154 सीजी ने अलॉट कर दिया डीन, 155 वन इंडिविजुअल वन डीन, डीन मिल गया, तो 156 एज ए इंडिविजुअल आई एम रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू ऑल द कंपनीज विद इन वन मंथ, और 157 कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू आरओसी विद इन 15 डेज। यानी 157 में पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगेगा और 156 में पेनल्टी मेरे ऊपर लगेगा, मैंने कंपनीज को इंटीमेट नहीं करा। तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो 156 में पेनल्टी किसके ऊपर लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहा है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हु फेल्स टू इंटीमेट डीन टू द कंपनीज इन विच इज अ डायरेक्टर। पेनल्टी कितनी लग सकती है, ₹50,000 एंड ₹500 per day। ये अमेंडेड पेनल्टी है, नई पेनल्टी है कि एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टर, एज द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, इफ आई फेल टू इंटीमेट डीन टू द कंपनीज इन विच आई एम अ डायरेक्टर, तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगने वाला है ₹50,000 तक प्लस ₹500 per day। और सेक्शन 157 में भी पेनल्टी इंसर्ट किया गया है इफ द कंपनी फेल्स टू इंटीमेट द डीन टू द आरओसी विद इन 15 डेज। तो कंपनी के ऊपर और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगने वाला है मिनिमम ₹25,000 प्लस ₹100 प्रतिदिन, मिनिमम ₹25,000 प्लस ₹100 प्रतिदिन, और जो मैक्सिमम पेनल्टी लगने वाला है दैट इज ₹1,00,000। तो मिनिमम ₹25,000 प्लस ₹100 एवरी डे प्लस जो मैक्सिमम पेनल्टी लगने वाली है दैट इज गोइंग टू बी ₹1,00,000। अब आप सोचो सेक्शंस कितने हो गए, लॉजिकली सोचो 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंस नहीं रखता,
तब सोच के देखो सेक्शंस कितने हो गए, 5। टाइम कितना लगा, मुश्किल से 10 से 12 मिनट। क्यों? हमने लॉजिकल स्लो में डिस्कस करा है, वरना एक सेक्शन में भी आप बहुत टाइम लगा सकते हो। लॉजिकल स्लो में आप अगर डिस्कस करोगे बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। सेक्शन 153 आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करा, मेरे को डीन चाहिए, फॉर्म कौन सा है, DR3, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में जाएंगे, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, ये एक नया पॉइंट जो पिछली बार ऐड हुआ था, एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ड्यूली वेरीफाइड। और ये जो फॉर्म DR3 है, दैट शैल बी साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट। मैं खुद साइन करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर दूंगा अपना डिजिटल सर्टिफिकेट यूज करके, और वेरीफाई करा लूंगा डिजिटली बाय ये कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और बाय द MD और द डायरेक्टर और द CEO और द CFO ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, यानी जिस भी कंपनी में मैं डायरेक्टर बनने वाला हूं। फिर सेक्शन 154 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को डीन कितना टाइम में देगा, 1 महीने के अंदर। सेक्शन 155, वन इंडिविजुअल वन डीन। फिर एज ए इंडिविजुअल मेरे को डीन मिल गया, अब मैं डीन कंपनीज को इंटीमेट करने वाला हूं कितने टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर। अब सेक्शन 157 कहता है कंपनी को डीन इंटीमेट करना है, किसको करना है, ROC को करना है, कितने टाइम के अंदर, 15 डेज के अंदर। और यहां पे पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन कितना है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 156, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर फेल्स टू इंटीमेट डीन टू द कंपनीज इन विच इज अ डायरेक्टर अप टू 50,000 rupees प्लस 500 rupees पर डे, एंड सेक्शन 157 कंपनी इफ द कंपनी फेल्स टू इंटीमेट टू द डीन टू द ROC तो पेनल्टी लगने वाला है कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर, ₹25,000 प्लस 100 rupees पर डे एंड मैक्सिमम 1 lakh rupees। और ये जो डीन का पूरा प्रोसेस है याद रखना, दिस इज रेड विथ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, एडजस्ट करना होगा भाई, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस रिगार्डिंग द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको एग्जाम पर्पस के लिए याद रखना है। प्रेजेंट कैसे करेंगे, चैप्टर के एंड में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जब डीन का पार्ट हमने कर लिया, अगेन बाद में आपको दूंगा टाइम नोट डाउन करने के लिए, या फिर यू कैन डू वन थिंग, मैंने स्क्रीन को बराबर कर दिया है, आप वीडियो को अभी पोज डाउन कर सकते हो और पोज करके 2 मिनट लगेगा, साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। पूरा लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही पोर्शंस हैं जो जिसके हमने चार्ट बनाए हैं, बाकी हम लोग डायरेक्टली समरी नोट्स यूज करने वाले हैं एंड कॉन्सेप्ट बुक यूज करने वाले हैं, ठीक है। Now we are moving to the next part of the chapter. पहले पार्ट के अंदर हमने डीन कैसे मिलेगा सिर्फ उस बारे में डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टू द अदर सेक्शंस। तो सेक्शन 164 टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एंड सेक्शन 167 हमेशा सेक्शन 164 के साथ रीड होता है, मतलब जब जब सेक्शन 164 की बात होगी तब तब 167 की साथ में बात होगी, ठीक है। तो सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, और जैसे ही आप डिस्क्वालिफाइड होते हो आपको ऑफिस इमीडिएटली वैकेट करना पड़ता है, तो सेक्शन 167 टॉक्स अबाउट वैकेशन ऑफ ऑफिस। अब देखिएगा सेक्शन 164 के अंदर 2 सब सेक्शन हैं, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, डिफॉल्ट्स डन बाय ए पर्सन लीडिंग टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन, एक बंदे ने कुछ कांड करा जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। और सब सेक्शन 2 कहता है डिफॉल्ट्स डन बाय कंपनी लीडिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावेंशन कंपनी ने करा है
बट डिसक्वालिफिकेशन डायरेक्टर का अराइज हो रहा है। सबसे पहले डिफरेंस समझना सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के बीच। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 कहता है डिफॉल्ट से डन बाय ए पर्सन लीडिंग टू हिज डिसक्वालिफिकेशन, कांड जो है बंदे ने करा और डिसक्वालिफाइड हो गया। और सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में कहा गया है डिफॉल्ट डन बाय द कंपनी लीडिंग टू द डायरेक्टर्स डिसक्वालिफिकेशन। अब अगर आप सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 देखेंगे तो कुल मिलाकर आई क्लॉज ए से लेके आई तक क्लॉजेस हैं, ए बी सी डी ई जी एफ, राइट, ई एफ जी एच आई, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे के सारे क्लॉजेस हैं 164 सबसेक्शन 1 के अंदर, जिसके अंदर जो क्लॉज आई है ना वो न्यूली एडेड है, तो आपको अपने किसी बुक में नहीं दिखेगा बिकॉज ये न्यूली एडेड है। आरटीपी के अंदर ये नया अमेंडमेंट आया है, क्लॉज नंबर आई हैज बीन न्यूली एडेड, तो उसको अपन साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 164 सबसेक्शन 2 जो है अगेन दैट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वहां दो डिस्क्वालिफिकेशन हैं, क्लॉज ए क्लॉज बी। तो क्या है ये डिस्क्वालिफिकेशन, इसके लिए फटाफट हम लोग समरी चार्ट यूज करेंगे, अपना जो डायरेक्टर का समरी चार्ट है। अब देखना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर समरी नोट्स के अंदर 164 सबसेक्शन 2 एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल के ये मैंने पहले दिया है आपको, और उसके बाद 164 सबसेक्शन 1 दिया है। अब 164 सबसेक्शन 1 के अंदर भी आप देखें ब्रैकेट में मैंने क्लैरिफाई कर दिया है न्यूली एडेड क्लॉज, मतलब आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक नया क्लॉज एड हुआ है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 जैसे कि मैंने आपको बताया था ए से लेके आई तक क्लॉजेस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, आपको पता होना चाहिए क्या क्या कहा गया है। A person shall not be eligible for appointment as a director of a company. एक व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर he is of unsound mind. वो unsound mind का है. Unsound mind मतलब पागल है, दिमाग की स्थिति अच्छी नहीं है, इनस्टेबल माइंड का है. बट अनसाउंड माइंड किसने डिक्लेयर किया है? कोर्ट ने डिक्लेयर किया है. आपके दोस्त ने बोल दिया कि भाई वो तो पागल है, तो क्या आप डिस्क्वालिफाइड हो टू बी अ डायरेक्टर? नहीं. अगर कोर्ट ने बोल दिया कि तुम पागल हो तब तुम डिस्क्वालिफाइड हो. उसके बाद क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, अब देखना क्लॉज बी एंड क्लॉज सी का कंबाइंड इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति इनसॉल्वेंट होता है, अगर एक व्यक्ति इनसॉल्वेंट बन जाता है मतलब उसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा एक्सीड हो जाती है, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उस व्यक्ति ने हो सकता है एप्लीकेशन दिया हो कोर्ट को कि भाई मैं इनसॉल्वेंट हूं, मेरा मामला डिस्चार्ज कर दूं, टिल द टाइम हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग ही इज डिस्क्वालिफाइड। तो अगर एक व्यक्ति इनसॉल्वेंट है, उसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा है और उसने एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में, सो इन दैट सिचुएशन जब तक उसका एप्लीकेशन सेटल नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट उसको डिस्चार्ज नहीं कर देता, मतलब उसका सेटलमेंट नहीं करवा देता, बेसिकली व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी कि एक व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो गया वो कोर्ट को अप्लाई कर रहा है, कोर्ट उसका क्या करता है प्रोसेस सेटल कराता है, उसकी सारी एसेट्स को बेचता है और उसकी लायबिलिटीज क्लियर कराता है एंड इवेंचुअली ही इज डिस्चार्ज्ड ऑफ हिज इंसॉल्वेंसी। तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता वो व्यक्ति हमेशा क्या माना जाएगा? डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा और किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। क्लॉज डी में कहा गया है ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब कोर्ट ने उसे कन्विक्ट करा है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो समाज की नजरों में गलत है, और अदरवाइज का मतलब है विच एन ऑफेंस विच इज कमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो समाज की नजरों में गलत है, या फिर किसी व्यक्ति ने कंपनीज एक्ट के अंदर कोई कांड किया है और उसे उस चीज के लिए 6 महीने की जेल हुई है कम से कम, उसे उस चीज के लिए कम से कम 6 महीने की जेल हुई है, तो क्लॉज कहता है वो 5 साल तक डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यानी अगर आपको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और कंपनीज एक्ट और आपको कम से कम 6 महीने की जेल हुई है, आप डिसक्वालिफाइड हो, 5 साल तक कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्वेश्चन बनता है, वो आपको बोलेगा कोर्ट हैज कन्विक्टेड यू एंड इम्प्रिजन यू फॉर 2 मंथ्स, आपको 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया कोर्ट ने,
क्या आप डिस्क्वालिफाइड हो टू बी अ डायरेक्टर? द आंसर इज नो, बिकॉज मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितना होना चाहिए? 6 months. तब आप कितना टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गए? 5 years. एक और क्वेश्चन पूछता हूं. मान लीजिए कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया दैट यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड एंड आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया. बताओ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कितना है? सर 5 years है, अभी आपने बताया तो सही. अरे भाई 5 years तो है, लेकिन वो जो 5 years है वो तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस है. 2 साल जब बंदा जेल में था तब भी तो डिस्क्वालिफाइड था, तो टोटल पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कितना हुआ? 2 years प्लस 5 years, 7 years. काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. अब यहां पे एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया. प्रोवाइजो इंसर्ट करके क्या बोला? बोला लेकिन अगर तुमने कोई ऐसा कांड कर दिया है जिसकी वजह से कोर्ट ने तुमको कम से कम 7 साल के लिए जेल में डाल दी है, इफ यू हैव डन सम ऑफेंस बिकॉज ऑफ विच यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एटलीस्ट 7 years, देन लाइफ टाइम के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे. यानी अगर कोर्ट ने तुम्हें कन्विक्ट किया है फॉर एनी ऑफेंस एंड तुमको 6 महीने की जेल हुई है, तुम 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो. और प्रोवाइजो कहता है कि अगर तुमको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है और तुमको अगर 7 साल के लिए जेल हुई है, तुम लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो. उसके बाद अगला क्लॉज कहता है अगर कभी भी आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया और बोला कि भैया तुम डिस्क्वालिफाइड है, तो अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि तुम डिस्क्वालिफाइड हो तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो, कोई बहस की बात ही नहीं है ना. तो क्लॉज ही कहता है अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया और तुमको डिस्क्वालिफाई कर दिया टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो. आई बिलीव क्लॉज ए से लेके ई अभी तक क्लियर है. क्लॉज ए वाज कि आप अनसाउंड माइंड के हैं, कोर्ट ने आपको डिक्लेयर किया है. क्लॉज बी एंड सी वाज कि यू हैव बिकम इनसॉल्वेंट एंड यू हैव मेड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड टिल नाउ योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग. क्लॉज डी इज दैट यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज. अगर 6 महीने की जेल हुई है आप 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड, अगर 6 महीने के लिए जेल हुई है आप 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो, और अगर 7 साल के लिए जेल हुई है लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो, और अगर 6 महीने से कम की जेल हुई है तो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो. एंड क्लॉज ई इज ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फ्रॉम द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर. क्लॉज एफ क्या कहता है? क्लॉज एफ, अब देखना क्लॉज ए से ई अलग था, क्लॉज एफ अलग है. क्यों अलग है? क्लॉज ए से ई के अंदर कहानी ये थी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हो, जबकि क्लॉज एफ एक कंपनी स्पेसिफिक क्लॉज है. क्या कहता है? अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रखा है, अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर ले रखा है, और आपने अगर जो कॉल मनी ड्यू है आपका, आपने अगर कॉल मनी पे नहीं करा है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे. लॉजिकल सी चीज है ना. आप कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहते हो तो यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट. सिचुएशन ये बनती है कि तुम शेयर खरीदते हो और तुम ही कॉल मनी पे नहीं करते हो, तुमको देख के बाकी मेंबर्स क्या पे करेंगे? यू आर डिस्क्वालिफाइड. लेकिन तुम सोच के देखो, कॉल तुमने पे नहीं करा, देयर मस्ट बी अ ड्यू डेट, कोई तो ड्यू डेट फिक्स किया होगा कंपनी ने, तुमने ड्यू डेट तक कॉल मनी पे नहीं करा. अब ड्यू डेट तक तुमने कॉल मनी पे नहीं करा तो तुम इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे या कंपनी तुम्हें कुछ टाइम देगा? सोचो, टाइम तो मिलना चाहिए. सर बिल्कुल मिलना चाहिए. तो 6 महीने का टाइम दिया लॉ मेकर ने, बोला कि भाई लास्ट डे पार हो चुका है, तुमने कॉल मनी पे नहीं किया, उसके बाद 6 महीने का टाइम है. अगर 6 महीने के अंदर भी तुमने कॉल मनी पे नहीं करा, यू आर डिस्क्वालिफाइड. और डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी कंपनी में होगा? सोच के बताओ. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है. फॉर एग्जांपल यू आर अ डायरेक्टर इन 10 कंपनीज, ए बी सी डी ई एफ करके तुम 10 कंपनी में डायरेक्टर हो. पहली कंपनी का तुमने कॉल मनी पे नहीं करा, 6 मंथ्स हैव इलैप्स्ड, बाकी 9 कंपनीज का कॉल मनी बराबर से पे किया है. बताओ डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी कंपनी में राइज होगा? सर सिर्फ पहली कंपनी में राइज होगा. दूसरा सिचुएशन, तुम 10 कंपनीज के डायरेक्टर हो, 10 कंपनीज के अंदर ऐसा सिचुएशन बनता है कि पहली कंपनी में तुमने कॉल मनी पे नहीं करा और 3 मंथ्स हैव इलैप्स्ड, 3 महीने इलैप्स हुए. दूसरी कंपनी में तुमने कॉल मनी पे नहीं करा, 6 मंथ्स हैव इलैप्स्ड, बाकी 8 कंपनीज में कॉल मनी पे कर रखा है, तो डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ कंपनी बी में आएगा. अगला क्लॉज, क्लॉज जी, यू हैव बीन कन्विक्टेड of the offense dealing with related party transaction under section 188 at any time during the last preceding financial year. अगर आज 2019 में आप खड़े हो तो 18, 17, 16, 15, 14, 5 सालों के अंदर अगर कभी भी तुमने सेक्शन 188 के अंदर कन्विक्शन किया है, आप डिस्क्वालिफाइड हो. बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है. पता है क्यों इंपॉर्टेंट? इसीलिए है बिकॉज सेक्शन 188 में कहीं डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं हुई, लेकिन सेक्शन 152, सेक्शन 164, सब सेक्शन 1 क्लॉज जी में कहा गया. क्लॉज नंबर भी याद रख सकते हो, जी यानी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड यानी रिलेटेड पार्टी. तो अगर आप कन्विक्ट हुए हो फॉर एन ऑफेंस डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 पिछले 5 साल के लिए, आप एलिजिबल नहीं हो टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, यू आर डिस्क्वालिफाइड. अगला जो क्लॉज है, यू हैव नॉट कंप्लाइड विद सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 152.
सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 कहता है कि डायरेक्टर बनने से पहले आपको डिन नंबर लेना होगा, और डिन नंबर लेने का प्रोसेस सेक्शन 153 से 159 में दिया है। तो अगर आपने डिन नंबर ऑप्टेन नहीं करा है फिर भी आप डायरेक्टर बन चुके हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो। अब देखिएगा यहां पे क्लॉज आई आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इट इज अ न्यूली इंसर्टेड क्लॉज। इफ यू हैव नॉट कंप्लाइड विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 यू आर डिस्क्वालिफाइड। If you have not complied with the provisions of section 165 subsection 1, you are disqualified. ये clause क्या कहना चाहता है? अभी हम लोग discuss करेंगे 2 मिनट के बाद। Section 165 को पहले discuss करेंगे, फिर मैं इन clause में आऊंगा और फिर हम लोग discuss करेंगे, ठीक है? तो कितने clause हो गए? A से लेके I तक clauses हो गए। अब देखिएगा, आप अगर इन clauses को observe करोगे, clause A से लेके I तक, तो ये clauses में ना 3 clauses appeal से related है। ये जितने भी क्लॉजेस हैं, इन क्लॉजेस में से 3 clauses अपील से रिलेटेड हैं। आप देखो क्लॉज डी कन्विक्शन से रिलेटेड है, कन्विक्शन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। आप देखो कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। आप देखो क्लॉज जी कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। तो आप देखो क्लॉज डी क्लॉज ई क्लॉज डी तीनों कन्विक्शन से रिलेटेड है, कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है। और हमारे देश के अंदर अगर कभी भी कोर्ट हमें कन्विक्ट कर रहा है तो हमारे पास अपील का राइट होगा कि नहीं होगा? अपील का राइट होगा। तो यहां पे कहा गया है क्लॉज डी ई एंड जी के अंदर अगर आप कन्विक्टेड हो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द कन्विक्शन। आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द कन्विक्शन। मान लीजिए आप उस वक्त केस हार जाते हो तब सेकेंड अपील आप कर सकते हो विद इन 7 days फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील आप कर सकते हो विद इन 30 days और सेकेंड अपील आप कर सकते हो 7 days फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ 30 days। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट आउट हियर। अब देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 164 का कोरिलेशन होता है सेक्शन 167 के साथ, ठीक है? बिकॉज सेक्शन 164 में जब आप डिस्क्वालिफाइड होते हो तब सेक्शन 167 के अंदर आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ता है। अब सेक्शन 167 में वैकेशन का एक पॉइंट है, देखना ध्यान से, इज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस and the office shall be vacated only after expiry of 30 days from the date of conviction if the first appeal is not made। मतलब immediately आपको office vacate नहीं करना है, जैसे आप disqualified हो immediately आपको office vacate नहीं करना है, पहले 30 days आपके पास appeal करने का time है। अगर 30 days के अंदर आप appeal नहीं करते हो तब उसके बाद आपको office vacate करना है। तो ये एक additional point है, एक अच्छा point है जो आपको साथ में ध्यान रखना है। 164 subsection 1 read with 167। section 164 के अंदर जो clause आई है अभी तक हमने इसे discuss नहीं करा है, we are discussing it soon। now coming to 164 subsection 2 क्या कहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 164 सबसेक्शन 2 कुछ ऐसा है कि डिफॉल्ट कंपनी ने करा है, डिस्क्वालिफिकेशन बंदी के ऊपर अराइज हो रही है। नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी ने क्या किया है, क्लॉज ए हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 financial years। कंपनी ने क्या नहीं करा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा है फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 financial years। 3 financial years तक लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा है आरओसी को। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन कौन सा है, 137। एनुअल रिटर्न का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 92। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन क्या कहता है कि जो भी एजीएम का डेट है, जो भी एजीएम का डेट है, एजीएम से 30 डेज के अंदर आप आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी फाइल कर दीजिए। और अगर कंपनी एजीएम हेल्ड नहीं करता है तो लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 30 डेज तक आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी फाइल कर दीजिए। और सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न के बारे में कहता है कि 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम आप एनुअल रिटर्न की कॉपी आरओसी को फाइल कर दीजिए, और अगर एजीएम नहीं होता है तो लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अब यहां पे कहा गया है कंपनी ने या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न अगर 3 financial year तक फाइल नहीं करा तो उसके डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसके डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी तो सिर्फ एक नाम है, डिफॉल्ट तो डायरेक्टर्स ने किया है ना भाई, ठीक है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दोनों में से कुछ भी चलेगा, मतलब 2 साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, 1 साल एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद बोला है और हैज फेल्ड टू रिपे द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट। कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लिया था, रिपे नहीं करा,
और इट है और पे इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर पब्लिक डिपॉजिट का ब्याज पे नहीं करा, ऑल टू रिडीम एनी डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करे थे, डिबेंचर्स का रिडम्पशन ड्यू है, डिबेंचर्स रिडीम नहीं करा, या डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पे नहीं करा, पब्लिक डिपॉजिट लिया था वापस नहीं करा, या पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे नहीं करा, डिबेंचर का रिडम्पशन ड्यू है, डिबेंचर्स रिडीम नहीं करे या इंटरेस्ट पे नहीं करा, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 123 के तहत बट पे नहीं करा, एंड सच अ डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर वन ईयर और मोर। यदि यह डिफॉल्ट एक साल या एक साल से ज्यादा तक कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो देखना दो ग्राउंड है। 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनुअल रिटर्न 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक फाइल नहीं करा, और दूसरा क्लॉज है कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लिया, डिपॉजिट पे नहीं करा, डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे नहीं किया, डिबेंचर होल्डर्स का रिडम्पशन नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे नहीं करा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, इस पूरे लिस्ट में बैंक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इस पूरे लिस्ट में पीएफआई का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बी केयरफुल। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा पता है, बैंक का पैसा कंपनी ने वापस नहीं करा एक साल से ज्यादा हो गया, आप लिख के आओगे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, जीरो मिलेगा, लिस्ट ध्यान रखनी है। अब बोला अगर ऐसा होता है, अगर कंपनी इन दो में से ऐसा कुछ करती है, तब यहां पे कहा गया है कि वो जो डायरेक्टर है वो 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा, 5 साल तक ही इज नॉट एलिजिबल, 5 साल तक ही इज नॉट एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंपनी फेल्स टू डू सो। अब यहां पे एक चीज और कहा गया, एक प्रोविजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट ऑफ क्लॉज ए और बी, ठीक है, एक व्यक्ति अपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिसने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रखा है क्लॉज ए और बी के अंदर, तो क्लॉज तो कहता है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है तो बंदा डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड है तो ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। यानी एक नया बंदा किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होता है और उस कंपनी ने वहां पर डिफॉल्ट कर रखा है, उसको भी अगर आप डिस्क्वालिफाइड रेंडर कर दोगे तो कंपनी में आएगा कौन? तो बोला अगर ऐसा होता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of appointment. वो 6 महीने तक disqualified नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर last time के MTP में question था, last time के mock test paper के ऊपर, ठीक है, कि company ने default किया है और वहां पे एक बंदा as a director appoint होता है तो क्या वो disqualified है? The answer is नहीं, वो अगले 6 महीने तक disqualified नहीं माना जाएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको बोला है कि section 164 is always to be read with 167, disqualification and vacation are always to be read together. तो सवाल उठता है क्या ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा इमीडिएटली, सवाल उठता है क्या ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा इमीडिएटली। तो यहां पे सेक्शन 167 के अंदर जो पहला सब सेक्शन है 167 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, वो क्या कहता है ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया अमेंडमेंट था ये। एज पर द ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन गिवन इन सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, द डायरेक्टर ऑफ द डिफॉल्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 is required to vacate office in all the companies in which he is the director except the defaulting company. काफी important है. The director of the defaulting company under section 164 subsection 2 is required to vacate office in all the companies in which he is the director except the defaulting company. यानी एक बंदा अगर मान लीजिए company A में director है, company B में director है, C में director है, default A ने किया है under 164 subsection 2, डिस्क्वालिफाइड वो तीनों में, ए में भी डिस्क्वालिफाइड है, बी में भी डिस्क्वालिफाइड है, सी में भी डिस्क्वालिफाइड है, बट ही विल हैव टू इमीडिएटली वैकेट ऑफिस इन कंपनीज बी एंड सी, बट ही इज नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड टू वैकेट ऑफिस इन कंपनी ए विच इज एक्चुअली कमिटेड द डिफॉल्ट। सर ये क्या लॉजिक हुआ, बड़ी अटपटा सा लग रहा है सब कुछ। भाई जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तुम वहां इमीडिएटली वैकेट करने बोलो ना, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है तुम वहां इमीडिएटली वैकेट करने बोल रहे हो। तो लॉजिक ये है पनिशमेंट डायरेक्टर को देना है। तुम 5 कंपनी में डायरेक्टर हो, ठीक है, तुम 5 कंपनी में डायरेक्टर हो, तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, तो प्रैक्टिकली वो कॉन्ट्रावेंशन तो तुमने ही किया है एज अ डायरेक्टर, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी सोच नहीं सकती, कंपनी समझ नहीं सकती। लेकिन अब पनिश भी तुमको करना है, तो बोला कि विल हैव टू वैकेट दी ऑफिस। लेकिन सोचो जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, अगर वहां हम बोले कि भाई डायरेक्टर्स विल हैव टू वैकेट दी ऑफिस, तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ही एक साथ ऑफिस वैकेट कर देंगे। अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ही एक साथ वैकेट कर देंगे तो उस डिफॉल्ट को सही कौन करेगा? इसीलिए बोला कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली वैकेट द ऑफिस इन द डिफॉल्टिंग कंपनी।
यू आर रिक्वायर्ड टू इमिडिएटली वैकेट ऑफिस इन दी अदर कंपनीज. तो बहुत ही बढ़िया कोरिलेशन बनता है. तो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर लगता है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए से लेके क्लॉज आई एंड सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी. अब एक और सवाल पूछा जाता है एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्या नॉमिनी डायरेक्टर्स पे लगता है या नहीं लगता है? सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स पे लगता है कि नहीं लगता है? नॉमिनी डायरेक्टर यानी स्पेशल डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ के हिसाब से अगर हम जाएं तो लॉ में एज सच कहीं भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नॉमिनी डायरेक्टर की बात करें हम तो लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हिसाब से नॉमिनी डायरेक्टर्स को कोई भी छूट नहीं दी गई है. तो नॉमिनी डायरेक्टर्स को अगर कहीं भी कोई छूट नहीं दी गई है तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है. बट यहां पे जो आईसीआई ने व्यू लिया है, आईसीआई ने ये व्यू लिया है दैट डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉमिनी डायरेक्टर. ये आईसीआई का व्यू है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का व्यू है. डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉमिनी डायरेक्टर ऑल्दो द एक्ट डज नॉट गिव सच एन एग्जम्पशन. तो किसकी बात मानोगे, एक्ट की मानोगे या इंस्टीट्यूट की मानोगे? सर हम तो इंस्टीट्यूट की बात मानेंगे. तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉमिनी डायरेक्टर, हम आईसीआई की बात मानेंगे. अब देखना सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 एक न्यूली एडेड क्लॉज था, क्लॉज आई, जिसके अंदर कहा गया था इफ ही हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 165 ही इज डिस्क्वालिफाइड. तो आखिर ये क्या कहना चाहता है? फिर से जाएंगे हम अपने समरी नोट्स की तरफ, समरी चार्ट्स की तरफ. ये तो कोरिलेशन है 164 167 का, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एंड देन द कोरिलेशन विद सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए दैट सेज दैट द ऑफिस शैल बिकम वैकेंट इफ ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन 164. हाउएवर द प्रोविजो सेज दैट ऑफिस शैल बिकम वैकेंट इन ऑल कंपनीज अदर देन द कंपनीज इन विच ही हैज कमिटेड द डिफॉल्ट. अब देखना सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है. इट पुट्स अ रेस्ट्रिक्शन कि एक व्यक्ति कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इज 20, कि आप मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो इंक्लूडिंग 10 पब्लिक कंपनीज. मतलब ऐसा हो सकता है कि आप 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हैं और 10 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर हैं. ऐसा हो सकता है कि आप 8 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हैं, 12 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर हैं. बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हैं और 8 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्टरशिप नॉट टू बी काउंटेड, कि जब 20 की लिमिट काउंट करेंगे तो कौन कौन सी कंपनीज की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं करेंगे. तो बोला आप जितने चाहें उतने सेक्शन 8 कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं, यानी जितने चाहें उतने नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर बन सकते हैं, आप जितने चाहें उतने डॉर्मेंट कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं. ठीक है, आप जितने चाहें उतने सेक्शन 8 कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, यह एमसीए नोटिफिकेशन में कहा गया है. आप जितने चाहें उतने डॉर्मेंट कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं, यह कहा गया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में. और आप जितने चाहें उतने फॉरेन कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं, यह कहा गया है लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अगर अपन करते हैं. बिकॉज जब हम कहते हैं कि यू कैन बी अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज, तो कंपनी के डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी नहीं आता, सिर्फ इंडियन कंपनी आता है, ध्यान रखना. कंपनी के डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी आता ही नहीं है तो फॉरेन कंपनी लिस्ट से बाहर हो गया. तो वैसे तो तुम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन इस 20 के लिमिट को काउंट करते वक्त सेक्शन 8 कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, डॉर्मेंट कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, फॉरेन कंपनी को काउंट नहीं करेंगे. तो इसके ऊपर एक बढ़िया सा केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है. यू आर ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन दिस मैनी कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज का ऑफर आया है, डॉर्मेंट का ऑफर आया है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है. अब देखना 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज आई में क्या कहा गया था. If you are disqualified under 165 subsection 1, तो you are disqualified. If you have contravened 165 subsection 1, इसका मतलब क्या निकल के आ गया? अगर आप 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर बन जाते हो या 10 पब्लिक कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर बन जाते हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे एज पर 164 subsection 1 क्लॉज आई. और क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे एज पर सेक्शन 167 subsection 1 क्लॉज आई, तो आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा एज पर 167 subsection 1 क्लॉज ए. क्या खतरनाक इंटरलिंकिंग है भाई. सेक्शन 164 भी आ गया, 165 भी आ गया, 167 भी आ गया. कितना मजेदार केस स्टडी बन सकता है आपके एग्जाम में, राइट. और साथ ही साथ सेक्शन 165 में भी एक नया पेनल्टी आया है कि अगर आप 165 को कॉन्ट्रावीन करते हो तो ₹5,000 प्रतिदिन का पेनल्टी लगेगा. यानी अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऑलरेडी तुम 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो, तुमने दो में और ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मीन्स दैट आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाला है ₹5,000 पर डे. इट मीन्स कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं
as per 164 subsection 1, and it also means that you will have to vacate the office as per section 167 subsection 1. है ना. तो स्टार्टिंग का जो हमने पार्ट किया वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट किया डायरेक्टर्स का, हमने वो सिंपल वाला पार्ट नहीं करा. काफी अच्छे अच्छे प्रोविजंस डिस्कस किए, 153 से 159 पूरा डीन का जो पार्ट है, पेनल्टी वाला पार्ट है, एंड 164 एंड 167 का कोरिलेशन पूरा डिस्कस किया हमने, जो कि डायरेक्टर्स का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा है और जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.